मैनिफेस्टो में आर्थिक मदद भ्रष्टाचार की श्रेणी में। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को लगा कैसा झटका। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान अब हो चुके हैं। 1 जून को 7वां और अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जुड़े इस केस में 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जो कुछ कहा वो बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ शामिल थे। दरअसल ये मुद्दा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक मदद करने के वायदे पर सवाल उठाए गए थे। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषणा पत्र के वादों को चुनाव के नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चामरापेट विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार बीजेड जमीर अहमद खान को जीत हासिल हुई थी, जिनके खिलाफ एक वोटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वोटर्स के लिए लुभावने आर्थिक सहायता देने की गारंटी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने न केवल कांग्रेस विधायक की विधायकी रद्द करने की मांग की थी, बल्कि मैनिफेस्टो में आर्थिक सहायता देने के वायदे को भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी रखने की मांग की गई थी। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और चुनाव रद्द करने से इनकार भी कर दिया था, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इसी याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और मैनिफेस्टो में आर्थिक सहायता देने का वादा करने को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इसी याचिका को रद्द करते हुए अपनी टिप्पणी भी दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मैनिफेस्टो में किए गए कमिटमेंट्स, जो कि अंत में बड़े पैमाने पर जनता को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, ऐसे में ये मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का ये तर्क बहुत ही दूर की कौड़ी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस के विधायक और पूरी कांग्रेस को जहां एक तरफ से राहत मिलना बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी के लिए ये झटका लगना भी बताया जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस विधायक की विधायकी चली जाती तो वहां एक बार फिर से चुनाव होते और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर बनता। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।